Hi everyone, assalamu alaikum. This is me, Abhika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग गाइस, क्योंकि आज आपकी बहन सुबह सुबह उठी है। आप लोग जानना चाहते हैं कब उठी हूँ मैं? मैं उठी हूँ 9 बजे, मतलब सुबह ही सुबह उठी हूँ। खैर, आज है मेरा एक स्पेशल शूट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लोग फुल व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को भी यकीनन बहुत मजा आएगा। फुल व्लॉग जरूर देखना है। आ रहे हैं लेने, हम फिर जाएंगे सलोन, सलोन से जाएंगे लोकेशन पर। ये सारी चीजें जो होगा वो सब आप लोग इसी व्लॉग में देखोगे। कीप वॉचिंग। बस लेने आ चुके, हम लोग निकलने लगे और मम्मा भी तैयार हो चुकी है। मम्मा को भी आज मैंने सुबह सुबह उठा दिया है कि शूट होता है तो ऑब्वियसली मम्मा को फिर उठना पड़ता है, और मम्मा को फिर क्या कहते हैं उसको, जाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है मेरे लिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर जफ़र भाई जो हमें लेने आए थे, और यहाँ पे हम पी रहे हैं मिल्क शेक। फिर हमारा सफ़र जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं जा रही हूँ सलोन, वहाँ से रेडी शेडी होंगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लोकेशन पर। सोया पहुँच चुकी हूँ, और घर से लेके यहाँ सलोन तक का सफ़र पूरे 1 घंटे का था। पूरा 1 घंटा लगा है। बट अब लेट्स सी मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग कब तक निमटती है, क्योंकि अभी क्या बज रहे हैं मम्मा? अभी बज रहे हैं, हाँ मतलब 11:54 हो रहे हैं, 12 ही समझ लें। तो अब देखते हैं कि हम कब तक रेडी हो जाते हैं। इतना सस्पेंस हम क्रिएट नहीं करते, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि आज मेरा किस चीज़ का शूट है। मेरा शूट है ईमन मिनाल क्लोज़अप का, उनकी मैं कलेक्शन शूट करने जा रही हूँ आज के दिन, जो कि आप इस व्लॉग में देखोगे कि उनकी न्यू कलेक्शन में आने वाले कौन कौन से ड्रेसेस हैं। आई होप हमेशा की तरह वो बेस्ट ही होंगे, और जब आपके भी कशिफ खान पहनेंगी तो ऑब्वियसली और अच्छे होंगे। मजाक कर रही हूँ, जो भी होगा वो आप लोग को पता चल जाएगा। से आप होप फॉर द बेस्ट। सबसे पहले उन्होंने हमें गिफ्ट ड्रिंक दी है, जो कि काइंड ऑफ लेमन पानी है, और ऑब्वियसली उन्होंने फ्रेश मिलती हमें दी है। तो अभी जो हम उनकी मैम आ रही है, तो उनसे हमारे यहाँ यू नो डिस्कशन होगी, किस तरह का मेकअप होगा, किस तरह की हेयर स्टाइलिंग होगी, हर एक चीज़। तो जैसे ही वो आते फिर हम जाएंगे मेकअप। सबसे पहले मेरे होगा हेड वॉश गाइस। वैसे तो मेरे बाल मुझे तो लगा ठीक होंगे, लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं आपके स्कैल्प जो है वो ऑयली हो रहे हैं, पता नहीं चल रहे, लेकिन उनको ज़्यादा पता है। अभी मुझे एडिटिंग के वक्त रियलाइज़ हुआ है कि मेरी आवाज़ इतनी हल्की आई है व्लॉग में, तो प्लीज़ गाइज इग्नोर इट, बस सुनने की कोशिश कर लो आप कि मैंने क्या कहा है। खैर, मेरे यहाँ पे हो रहा है हेड वॉश, और हेड वॉश के साथ हो रहा है मसाज। तो गाइज अब आपकी बहन को इतने मज़े का मसाज मिला, मैं आपको क्या बताऊँ। हेड मसाज इतना अच्छा हुआ है कि मुझे इतना सुकून मिल गया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, फुल एकदम खिदमत हुई। शूट से पहले इसकी ज़रूरत थी, और मेरा टॉवल नीचे जा रहा है, इतना मैं धुन हो गई हूँ मसाज में। खैर, अभी हेड वॉश हो चुका है, हेड वॉश के बाद क्या होगा? ड्राई होगा, फिर उसके बाद मेकअप होगा, फिर उसके बाद हेयर स्टाइलिंग होंगी। ओके, ऑल राइट। तो ये सीन है गाइस, अभी मसाज के बाद मैं जा रही हूँ ब्लो ड्राई कराने। ब्लो ड्राई वाला सीन जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना टाइम लगता है ना बाल ड्राई करने में, उसके बाद फिर ब्लो ड्रायर होता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो गाइस, मेरे हेयर्स जो है वो ड्राई हो चुकी हैं, हेड वॉश हो चुका है, अब ओह माय गॉड, अब मैं जा रही हूँ मेकअप करवाने। लेंस भी लगा रही हैं गाइस। वैसे मैंने 2 शेड्स रखे थे, एक था ग्रे और एक था ग्रीन। ये वाला ग्रीन मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो उसने मैंने ये वाला लगा लिया। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। लेट्स सी मेकअप के बाद अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना हम इसको चेंज कर देंगे। तो चलिए चलते हैं मेकअप रूम में। और दिस इज द मेकअप रूम गाइस। गाइज, मेरा मेकअप हो चुका था, और जल्दी जल्दी सलोन से निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, पूरे 3 घंटे लगे इस मेकअप में। बट थैंक गॉड कि मेकअप हो गया, और हम लोकेशन पर भी पहुँच चुके हैं, जल्दी से उतर जाते हैं गाइज। यहाँ पे शूट के लिए सारी हील्स वगैरह निकाल के रखी हुई हैं, ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ की सेटिंग की हुई है, ताकि जो भी ड्रेस हम पहने उसके लिए ज्वेलरी भी होनी चाहिए और मैचिंग की हील्स भी होनी चाहिए। तो ये बहुत स्पेशल शूट है गाइज, यू गाइज विल डेफिनेटली लव इट, सो स्टे ट्यून्ड।